चैट जीपीटी अब ना सिर्फ आपके टेक्स्ट का रिप्लाई दे सकता है, बट आपकी वॉइस को सुन के और समझ के रियल टाइम में आपसे बातें भी कर सकता है। Hey चैट जीपीटी, how are you doing? Today I'm showing all the new features of चैट जीपीटी 4.0 on my channel Learn AI with Ritika. Doing well. Thanks for asking. That sounds exciting. What specific features are you planning to showcase today? चैट जीपीटी अब आपका ऐसा फ्रेंड बन जाएगा जो बिना बोर हुए घंटों तक आपसे बहुत सारी बातें कर सकता है। ये आपके लिए वेब से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन निकाल के दे सकता है, चार्ट्स एनालाइज कर सकता है और यहाँ तक कि डॉक्यूमेंट्स को पढ़ के उनकी समरी भी बना के दे सकता है। आज के इस वीडियो में हम चैट जीपीटी के ये सारे नए टैलेंट्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं। अब तक के सारे यूट्यूब वीडियोज में वही डेमोज दिखाए गए हैं जो ओपन एआई ने अपने सेशन में दिखाए थे। आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बाकी सारे वीडियो से एकदम अलग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको खुद डेमो देके दिखाऊंगी हर एक इस नए फीचर का, आपको समझाने के लिए कि आप कैसे अपने चैट जीपीटी अकाउंट से, चाहे तो अपने लैपटॉप पे और चाहे तो अपने मोबाइल फोन पे, ये सारे नए फीचर्स कैसे यूज कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट, ये नए फीचर्स चैट जीपीटी के सारे यूजर्स के लिए एकदम फ्री है। नाउ व्हेन आई से एकदम फ्री है, सो एवरी यूजेज कम्स विद अ सर्टेन लिमिटेशन। जो लोग करंटली चैट जीपीटी का पेड वर्जन यूज करते हैं उनके लिए द लिमिट इज अराउंड 80 मैसेजेस इन एवरी 3 आवर्स, और जो लोग करंटली चैट जीपीटी का फ्री वर्जन विच इज चैट जीपीटी 3.5 अगर उसे यूज कर रहे हैं तो वो ये सारे नए फीचर्स यूज कर सकते हैं विद द लिमिट ऑफ 10 टू 15 मैसेजेस विद एवरी यूनिक ईमेल आईडी। अब ये लाइन सुनने के बाद अगर आप हैक समझ चुके हैं इसको अनलिमिटेड फ्री यूज करने का, तो मेरे कमेंट्स में लिख के मुझे जरूर बताइए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न एआई विद रितिका। हो सकता है कि आपने अब तक कई सारे वीडियोस देख भी लिए होंगे चैट जीपीटी के इस नए वर्जन चैट जीपीटी 4.0 के बारे में। मैंने भी लास्ट वीक एक वीडियो रिलीज किया था जिसमें मैंने चैट जीपीटी 4.0 के ये सारे नए फीचर्स डिस्कस किए थे। पर आपके चैट जीपीटी में अब तक ये सारे नए फीचर्स आए हैं या नहीं, और अगर आ गए हैं तो इन्हें यूज कैसे करना है, कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो सारे यूजर्स के लिए फ्री किए गए हैं और कौन से ऐसे हैं जो सिर्फ पेड यूजर्स को मिलेंगे, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पर शुरू करने से पहले मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यू कैन ऑल्सो स्टार्ट फॉलोइंग मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम चैनल। तो सबसे पहले समझते हैं कि चैट जीपीटी 4.0 में ये ओ का क्या मतलब है। ओ का मतलब है ओमनी, यानी चैट जीपीटी अब ना सिर्फ आपके टेक्स्ट मैसेजेस या प्रॉम्प्ट्स पे रिस्पॉन्ड कर सकता है, बट आपकी वॉइस को सुन के उस पे भी रिस्पॉन्ड कर सकता है और इमेजेस को देख के उन पे भी रिस्पॉन्ड कर सकता है। अब मैं आपको दिखाऊंगी चैट जीपीटी 4.0 के ये सारे नए फीचर्स का डेमो। वंस यू लॉग इन टू योर चैट जीपीटी, आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा विच सेज इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी 4.0। अब ये नए वर्जन चैट जीपीटी 4.0 में सबसे पहला चेंज है ये अटैचमेंट का बटन। ये पहले सिर्फ चैट जीपीटी 4 के पेड यूजर्स को मिलता था, अब ये सारे यूजर्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। पर इसका यूज क्या है? इसमें आप पीडीएफ फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं और समराइज या एनालाइज करवा सकते हैं। आपको लंबी लंबी रिपोर्ट्स पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, चैट जीपीटी कैन रीड ऑल दोज रिपोर्ट्स फॉर यू एंड समराइज देम। अब जब हमारी कंट्री में इलेक्शन का टाइम चल रहा है और हर पार्टी ने अपना अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया है, पर बीजेपी का मैनिफेस्टो है 76 पेजेस का और कांग्रेस का मैनिफेस्टो है 48 पेजेस का। ऑल्दो आई वांट टू बी informed citizen, but इतने बड़े manifestos पढ़ने का ना मुझमें patience है और ना ही time. So let's ask ChatGPT to help us with this. इसके लिए हम ये अटैचमेंट वाला बटन दबा के यहाँ पे इन दोनों पार्टीज के मैनिफेस्टोस को अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद हम ChatGPT के मैसेज वाले बॉक्स में एक सिंपल सा इंस्ट्रक्शन या जिसे कहते हैं प्रॉम्प्ट देंगे, प्लीज समराइज द मैनिफेस्टो ऑफ बोथ ऑफ दीज पार्टीज एंड गिव मी अ कंपैरिजन, और बस एंटर प्रेस कर देंगे। और एंटर प्रेस करते ही ChatGPT मुझे इन दोनों पार्टीज के मैनिफेस्टोस का ब्रीफ में पूरी समरी ला के दे देगा। तो ये देखिए, पूरी समरी अब दोनों मैनिफेस्टोस की हमारे सामने बन के एकदम रेडी है। ना सिर्फ समरी बट दोनों मैनिफेस्टो उसका एक कंपैरिजन भी चैट जीपीटी ने हमें करके दे दिया है। अब अगर आप इसको और सिंपलर कंपैरिजन बनाना चाहते हैं टैबुलर फॉर्मेट में, तो उसका भी कमांड आप चैट जीपीटी को दे सकते हैं, प्लीज गिव मी दिस कंपैरिजन इन अ टैबुलर फॉर्मेट। एंड दैट्स इट, इन लेस देन अ मिनट आपके पास दोनों पार्टीज के मैनिफेस्टो की ना सिर्फ समरी बट एक कंपैरिजन भी एक टैबुलर फॉर्मेट में बन के आ चुका है, जो आपको खुद से पढ़ने में शायद 5 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा। एंड यू कैन बी अ वेल इन्फॉर्म्ड सिटीजन ऑफ दिस कंट्री बिफोर यू गो फॉर वोटिंग। अब सिमिलरली इसमें कोई भी पीडीएफ या लंबी प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपलोड करके उसकी समरी बहुत ही इजीली निकलवा सकते हैं। ये सब आप अपने फोन पे भी कर सकते हैं। फोन पे से यूज करने के लिए आपको अपने एप्पल स्टोर या गूगल प्ले स्टोर पे जाके चैट जीपीटी का ऐप डाउनलोड कर लेना है। इसे अपने फोन पे डाउनलोड करने के बाद आप इसमें अपने जीमेल अकाउंट या किसी भी और अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे कंटिन्यू। अब कंटिन्यू क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला स्क्रीन आएगा जिसमें राइट हैंड साइड के नीचे एक हेडफोन का बटन है जिसे क्लिक करके आप चैट जीपीटी को वॉइस कमांड दे सकते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास 3 आइकन्स है
जो फर्स्ट आइकन है वो है कैमरा का, उसे क्लिक करके आप इसमें कोई भी फोटो अपलोड कर सकते हैं। जो सेकंड आइकन है उससे आप वो फोटोज अपलोड कर सकते हैं जो आपके फोन में ऑलरेडी सेव है, और जो थर्ड आइकन है उससे आप कोई भी पीडीएफ डॉक्यूमेंट या कोई भी और रिपोर्ट इसमें अपलोड कर सकते हैं। अब हम सबसे पहला डेमो देखेंगे कि हम कैसे चैट जीपीटी 4o का वॉइस कैपेबिलिटी फीचर यूज करके उससे बातें कर सकते हैं। ये करने के लिए जो राइट हैंड साइड पे नीचे हेडफोन्स का बटन है आप उसको क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे आपके सामने आएगा चूज अ वॉइस। आपके पास बहुत सारे वॉइस के ऑप्शंस हैं, जो भी आपको जिसकी भी वॉइस इसमें से पसंद आती है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने सिलेक्ट किया ब्रीज की वॉइस, यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगी कन्फर्म। अब जैसे ही ये कनेक्ट हो जाएगा तब आप इसमें बोलेंगे, Hi ChatGPT, how are you doing? Doing great. Thanks for asking. How about you? आप चैट जीपीटी से बातें करके नई लैंग्वेजेस भी सीख सकते हैं। So for instance, मैं इसका हेडफोन वाला बटन क्लिक करके इसे बोलूंगी, Hey ChatGPT, I'm trying to learn French and I want to say, Hi, my name is Ritika. Can you tell me how to speak this in French? French, you would say bonjour, je m'appelle Ritika. अब अगर मैं चैट जीपीटी को कोई इमेज दिखा के उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ तो वो भी मैं कर सकती हूँ। जो लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे आइकन्स है इमेज अटैच करने के, उसके लिए मैं वो यूज करूंगी। तो मैंने चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डू यू कॉल दिस इन फ्रेंच, तो चैट जीपीटी ने मुझे इसका आंसर दे दिया है। अब अगर मैं इसे प्रोनाउंस कराना चाहती हूँ तो अगेन मैं हेडफोन वाला बटन यूज करके चैट जीपीटी से इसका वॉइस में भी इसका प्रोनाउंसिएशन समझ सकती हूँ। अब हम ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब मैं यहाँ पे एक और इमेज अपलोड करने वाली हूँ जो कि है इसकी। अब ये इमेज अपलोड करके मैं चैट जीपीटी को वॉइस कमांड देके इसके बारे में पूछने वाली हूँ, तो उसके लिए मैं क्लिक कर लूंगी राइट हैंड साइड पे नीचे हेडफोन्स का आइकन। Hey चैट जीपीटी, can you describe what you see in the image above? The image shows a delicious plate of Indian snacks. On the left side of the plate, there's a serving of what looks like aloo tikki, garnished with yogurt, green chutney, sev, thin, crispy noodles made from chickpea flour. चैट जीपीटी फोटो में आपका मैथ्स का क्वेश्चन देख के वो भी स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकता है। उसके लिए मैं यहाँ पे प्लस वाला आइकन दबा के अपने मैथ्स के क्वेश्चन की फोटो अपलोड करूंगी। सो द क्वेश्चन इज अ लीनियर इक्वेशन 5x + 1 = 6। अब मैं नीचे मैसेज वाले बॉक्स में एक प्रॉम्प्ट टाइप करूंगी, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप, और एंटर दबाते ही चैट जीपीटी ने मेरा पूरा क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना शुरू कर दिया है। चाहे वो जितना ही सिंपल हो या कॉम्प्लिकेटेड मैथ का क्वेश्चन हो, चैट जीपीटी उसकी इमेज देख के आपको सारा स्टेप वाइज उसका सोल्यूशन लाके दे देगा। नेक्स्ट यूज केस है कि चैट जीपीटी कैन इवन सी द इमेजेस ऑफ ग्राफ्स एंड एनालाइज देम। उसके लिए जिस भी ग्राफ को आपको एनालाइज कराना है उसकी इमेज आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे, और फिर मैसेज वाले बॉक्स में यू कैन गिव इट अ प्रॉम्प्ट सेइंग, कैन यू एक्सप्लेन दिस ग्राफ। तो एक ग्राफ की फोटो देख के चैट जीपीटी ने आपको एक पूरा ग्राफ एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया है। अब आज के इस डेमो का जो लास्ट यूज केस मैं आपको बताऊंगी चैट जीपीटी 4o का, वो ये है कि वो आपकी फोटो देख के आपके इमोशंस बता सकता है। उसके लिए आप अपनी कोई भी फोटो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, या तो पहले से आपकी फोन की लाइब्रेरी में हो वो, या फिर अपनी फोटो आप लाइव क्लिक करके भी इस पे अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद आप एरो वाला बटन क्लिक कर देंगे, और चाहे तो यहाँ मैसेज दे के चैट जीपीटी से पूछ लीजिए, या फिर हेडफोन वाला बटन क्लिक करके आप चैट जीपीटी से वर्बली भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Hey चैट जीपीटी, looking at this photo, what do you think about my emotions? You appear confident and pleasant. Your smile is warm and your posture relaxed, which adds to the overall positive and professional vibe of the image. OpenAI ने चैट जीपीटी 4o का डेमो दिखाते हुए कुछ वीडियो कॉलिंग टाइप फीचर्स भी दिखाए थे जो फिलहाल तो अवेलेबल नहीं है, पर आने वाले कुछ महीनों में आ जाएंगे। Isn't all of this just amazing? These were just a few demos. आप अपने हिसाब से चैट जीपीटी 4o को यूज करके अपना बहुत सारा काम आसान बना सकते हैं। So which feature did you like the most? और आप किस काम के लिए इसे सबसे पहले यूज करना चाहेंगे, मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए। तो अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और शेयर कर लीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। अगर आप मेरा चैट जीपीटी 4o का लास्ट वीक का डेमो देखना चाहते हैं तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं, और अगर आप गूगल के नए AI फीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। So here is your AI code signing off. See you in my next video.